देखते हैं तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सेक स्क्वायर का तो आपको एंटी डेरिवेटिव पता होता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है ना। कोसेक स्क्वायर किसका होता है? माइनस कॉट एक्स। ठीक, लेकिन समस्या इस बात की है कि ये दोनों साथ में हैं, है ना, अलग अलग होते तो हम लोग सोच लेते करा क्या जाए। तो पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को आप सॉल्व करके किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाइए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये पहुंचता है। आपको थोड़ा वर्क करना पड़ता है ना। तो ये आप लिख लोगे वन बाई सेक को लिख लोगे वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख लोगे आप वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जब रेसिप्रोकेट होगा आपस में, इसको आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है। लेकिन टेन स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डी बाई डी एक्स क्या हो, टेन स्क्वायर हो। सेक स्क्वायर जरूर होता है ना। सेक स्क्वायर किसका होता है? टेन एक्स का होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम पता है कि टेन स्क्वायर से हम सेक स्क्वायर में पहुंचे कैसे, हमारे पास तो टेंथ से आइडेंटिटी पड़ी हुई है। तो हम क्या लिख देते हैं इसको, दैट कुड बी रिटेन एज ए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स भी आप इंटीग्रेट कर लो, इसका एंटी डेरिवेटिव टेन एक्स हो गया, और वन का तो सब कर लेते हैं, इसका एक्स होता है, तो दोनों ही अपने इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुँच गए। बस ये जो इंटीग्रेशन है, ये चूंकि लीनियर ऑपरेटर होता है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेगा ये। दैट मीन्स आप लिख लोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस वन डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका टेन एक्स, और वन का क्या हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा प्लस सी। दैट इज योर फाइनल आंसर।